हे गाइस, हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आज दिन तीसरा है और हम पुरी में रुके थे रात में। अब हम जाएंगे बीच पे, यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं इससे डेढ़ कितना किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से बीच पे। बीच का नाम नहीं पता मुझे, मैं बताऊंगी बाद में। और चल के देखते हैं कैसा बीच है, साफ सुथरा बीच बता रहे हैं, बाकी तो जाके पता चलेगा साफ सुथरा है या कैसा है। आ जाओ फिर चल के और वहां पे देखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बीच पे, दिखाती हूँ कैसा है। यहाँ पे लाइट हाउस भी है, उसका जो व्यू है ना वो सबसे ऊपर टावर पे चढ़ के और फिर ये बीच का व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो अभी बीच दिखाती हूँ। बीच नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। और गुजरात के बीच पे गई थी मैं, वहां पे भी नॉर्मल था, इतना कुछ वो नहीं था, ठीक था वो भी। देखो मैं दिखती हूँ, चंद्रभागा बीच। साफ बता रहे हैं ये वाला, लेकिन इतना साफ नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं चल के, बहुत तेज हवा चल रही है। थोड़ा सा पास चल के देखते हैं कि कैसा है। बीच से वापस आ गए हैं, अब हम आए हैं सन टेंपल में, जो कि बीच से सिर्फ कितना दूर, 3 किलोमीटर, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो अभी अंदर चलेंगे और फिर देखते हैं कि कैसा है। आ जाओ। ये है टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेंपल, इसमें सारी चीज बताई हुई है कि कहाँ पे क्या है और क्या। मेन एंट्रेंस यहाँ पे, ये मेन एंट्रेंस है इधर, और इधर से फिर अंदर जाके और ये सारा चीज है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स में, तो गुफा है यहाँ पे। पढ़ लेना अपने आप जो भी हो। चलो वैसे ही दिखा देती हूँ कैसा है। चलेंगे सर, गाइड देखें। जिसमें हम अभी आए हैं ये उदयगिरी है और रोड के उस साइड खंडगिरी है। जो मंदिर बन रहा है खंडगिरी काम, एक मिनट।
जो ये मंदिर दिख रहा है ना इधर, ये है खंडगिरी केव्स। आ जाओ पहले इसमें देख लेते हैं कैसा है ये। ఇప్పుడు ఉంటున్నాము అవు తాగు లేవు बस। और कुछ नहीं है यहाँ पे देखने का, ऊपर से